किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। मेरे कांग्रेस साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। और इधर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। आज भी ज्यादातर इलाकों में पहले की तरह धुंध का कब्जा है। बाहर निकलने वाले लोग आज भी आंखों में जलन और घुटन की शिकायत कर रहे हैं। वहीं अब यमुना नदी में भी प्रदूषण की वजह से मुश्किल बढ़ने लगी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुरुग्राम की है, वहां धुंध की वजह से कुछ भी दिखना मुश्किल हो गया है और लोग परेशान है, जबकि यमुना में आज भी सफेद झाग से पानी दिखना मुश्किल हो गया है। प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि पुरानी जो पूरी नदी है वो झाग से भर गई है और ये समझ पाना मुश्किल है कि वही यमुना है जो कलकल करके बहती है। इस तरह का झाग उसमें इस वक्त बहुत ही ज्यादा व्यापक तौर पर देखा जा रहा है। गुरुग्राम हरियाणा में भी अभी भी प्रदूषण का स्तर बरकरार है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का खतरा अभी भी बरकरार है। आज अगर दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों की बात करें तो एक्यूआई लेवल अधिकतर इलाकों में 400 क्रॉस कर चुका है। अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं, हम इस वक्त कालिंदी कुंज के पास हैं और यहाँ पर जो धुआं है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि पंजाब में जो किसानों के द्वारा पराली जलाई जा रही है उसका धुआं अब यहाँ पर बढ़ने लगा है। धीरे धीरे ये जो फॉग है, ये जो पॉल्यूशन का खतरा है, ये धीरे धीरे और बढ़ेगा। आप दूर बिल्डिंगों को देख सकते हैं, जो बिल्डिंग है वो नहीं दिखाई दे रही है, धुंध इतनी तेज है। ये सब पॉल्यूशन है, क्योंकि ये चाहे पेड़ पौधों पर बैठे या फिर सड़क से उठता हुआ धूल धक्कड़, अभी हम आपको दिखाएंगे कि कितना खतरनाक यहाँ पर पॉल्यूशन है, क्योंकि जो धूल है सड़कों की वो किस तरह से उठ रही है। ये देखिए, ये इस पूरे पत्ते में ये देखिए कितनी धूल है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये डस्ट जो है पूरे शरीर में इंसान के अंदर घुस रही है, चाहे वो अगर मास्क नहीं पहनता तो उससे उसे नुकसान है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि पराली अब जल रही है तो पराली का जो समय है वो आगे भी इसी तरह से जलता रहेगा, कई दिन तक पराली जलती है और उसको लेकर कई नियम बनाए गए, लेकिन वो नियम अभी भी यहाँ पर उन नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये जो पूरा धुआं आपको पॉल्यूशन का दिखाई दे रहा है, जो आसमान में चादर सफेद हो चुकी है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसी धुएं का कारण माना जा रहा है। और इधर दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार इसके पीछे की वजह पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली को बता रहे हैं। पंजाब के अमृतसर समेत कई जिलों में पराली जलाए जाने की घटनाएं सामने आई हैं। दावा है कि पराली जलाने की वजह से ही दिल्ली एनसीआर में धुंध बढ़ गई है। दिल्ली में लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन भी हो रही है। किसानों का कहना है कि उसके आगे मजबूरी है जिसकी वजह से वो पराली जला रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के कई जिलों में पराली जलाने की ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इस परेशानी के बाद भी सभी पार्टियां पराली जलाने पर किसानों पर सीधा हमला करने से बच रही हैं। तो पटाखे बदनाम हो रहे हैं, पॉलिटिक्स भी जबरदस्त हो रही है, लेकिन सच ये है कि पराली जलने से हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि सड़कों पर वाहन नहीं, सिर्फ धुंध ज्यादा नजर आ रही है। लोगों के लिए विजिबिलिटी के लिए एक बड़ा संकट है, क्योंकि बहुत ज्यादा धुंध है और ये धुंध सिर्फ दिखने भर की नहीं है, इसके अपने कई नुकसान है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, घुटन सी महसूस हो रही है। पराली जलाने से ये हवा बिगड़ी है और हरियाणा में भी पराली जलाने के कई मामले सामने आए हैं। रोक के बावजूद ये पराली जलाई जा रही है। एक तरफ दिल्ली एनसीआर प्रदूषण की मार से परेशान है, तो वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में खेतों में पराली जलाई गई है। किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं। खेतों में पराली जलने के बाद की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। जब पराली जलाने को लेकर किसानों से बात की गई तो किसानों ने सरकार की तरफ से मशीन मुहैया नहीं होने की दलील दी। फतेहाबाद में हमारे साथ कुछ किसान हैं जो गांव के ही हैं। उनकी जमीन, हालांकि उनकी जमीन पे हम लोग मौजूद नहीं है, लेकिन गांव के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, बजट देती है, क्या उसका फायदा जमीन के स्तर पे मिलता है आप लोग को? आखिर पराली क्यों जलानी पड़ती है आप लोगों को? पराली हमें ये कणक बीजनी है इसलिए जलानी पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आप जिक्र कर रहे थे कि मशीन जो है वो नहीं मिलती इसलिए आपको जलाना पड़ता है। हाँ, मशीन बहुत महंगा है, ढाई लाख रुपए का है जी। जो सुपर सीडर है, हाँ, वो ऐसे कौन लेगा ऐसे? तो उससे क्या होता है, मशीन से आप लोग करते क्या?
मशीन वो तो नीचे दबा देती है, जब आएगा तभी है ना, फिर अभी है तो नहीं है ना किसी के पास, नहीं है, नहीं है, इसलिए जलाना पड़ता है गांव के लोगों को। हाँ जी, इसलिए। और दूसरे किसान से बात करते हैं, आप बताइए कि ये जो जली हुई पराली है, मैं देख रहा हूँ जहाँ तक नजरें जा रही है पराली जली हुई है, तो ये मजबूरी है या इससे बचा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण यहाँ की परालियों से होता है जलाने से? नहीं है जी, मजबूरी है कि जो मान लो डीजल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, पैली चप्पा बहुने का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है, इस करके किसान की मजबूरी है, मजबूरी करके ये काम करता है। तो कैसे कैसे आप लोग न जलाए पराली, वो कैसे हो सकता है, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को ये वास्ते कोई मशीन देवे किसानों, जिद वास्ते कोई साधन देवे, वे करके फिर किसान आपका पराली ना जलावे। जी हाँ जी, हमारे साथ दूसरे किसान भी जुड़ गए हैं, यहाँ के स्थानीय हैं। आप बताएं कि जरूरत होती है कि पराली जलाया ही जाए? नहीं, जरूर जलाना तो जरूरी नहीं है वैसा। हाँ। और सरकार इसका कोई ऑप्शन दे ना हमें। हाँ। जिम्मेदार करे क्या? तो पराली जलाने को लेकर किस तरह किसान परेशान है, और उनकी दलील ये है कि किस तरह से उन्हें सरकार की तरफ से मशीन मुहैया नहीं करवाई गई है, तो वो करें तो करें क्या, उनकी मजबूरी की वजह से हालात ये है कि दिल्ली एनसीआर में लोगों का दम घुट रहा है। प्रदूषण का स्तर इस कदर है हावी कि लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, पराली जला रहे किसानों की ये तस्वीर, और साथ ही मानसा पंजाब की तस्वीर, जहां पर धू धू कर ये खेत में पराली जलाई जा रही है। और इस पराली का जो सीधा असर है जलने से, वो आ रहा है दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में, लेकिन पॉलिटिक्स भी इसमें जबरदस्त तरीके से साइलेंट होकर की जा रही है। कोई भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहा है, खास तौर पर पराली जलाए जाने को लेकर, क्योंकि पंजाब में चुनाव है और सीधा जो किसान वोटर है वो उनके स्टेटमेंट से प्रभावित हो सकता है। पंजाब के मानसा जिले में है और पराली जलाने को लेकर सियासत खूब की जा रही है कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली है। मानसा जिले के एक इलाके में है और आप देख सकते हैं एक बड़े खेत में किस तरह से दिन में पराली जलाई जा रही है। आपको आग की लपटें दिख सकती है हर तरफ। जब आप हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे जाएंगे तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल किसानों को लेकर नहीं बोल रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि पराली जलाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर खेत में पराली रह गई तो दूसरा जो फसल है, आने वाला जो फसल होता है, उसकी बुआई में दिक्कत होती है, इसलिए पराली जलाना उनकी मजबूरी है। और सरकार की तरफ से जो मशीनें होती हैं वो मुहैया नहीं कराई जाती, इसलिए वो खेतों में ही पराली जला देते हैं। तो हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से पराली जलाए जाने को लेकर किसान मजबूर हैं, लेकिन इस मजबूरी की वजह जो खमियाजा है वो पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को चुकाना पड़ रहा है। फेफड़ों और सांस से जुड़ी हुई दिक्कतें बढ़ रही हैं, खासे जुकाम और सीने में दर्द की शिकायतें आ रही हैं। मानसा पंजाब की तस्वीरें नीरज दिखा रहे थे, पराली जल रही है, जहरीली हो रही है, इससे दिल्ली की हवा और जहरीली हवा के बीच लोगों का दम घुट रहा है। और इस बीच पराली पर सभी पार्टियां चुप हैं, क्योंकि पंजाब में चुनाव है और इस चुनाव में किसी भी तरह का वोट शिफ्ट ना हो जाए, इसलिए सियासत भी बड़े चुप्पी से की जा रही है। हालांकि पंजाब के कृषि मंत्री ने दावा किया कि पंजाब में पराली जलाने के मामले लगातार कम हुए हैं और उम्मीद जताई है कि जल्द ही पराली जलाने के मामलों में और कमी आएगी। पिछले साल से 51% कम स्टबल बर्निंग हुई है। एक दिन में स्टबल बर्निंग मुकम्मल नहीं यह प्रोसेस किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे ये समान लगता है, धीरे धीरे हट जाएगी। अगर पिछले साल से 51% कम है, इसका मतलब अगले साल और भी कम हो जाएगी। तो धीरे धीरे स्टबल बर्निंग पंजाब में कम हो रही है। इस बीच पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर दिल्ली सरकार ने एक दिन पहले ही केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उन राज्यों के साथ बैठक करवाने की मांग की है जिन राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने दावा किया है कि पंजाब, हरियाणा और यूपी में पराली जलाई जा रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, और ऐसे में इन सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगानी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा हुआ है, और उसका मुख्य जो अभी तक साइंटिस्ट का कहना है कि जो मुख्य वजह है कि
पराली जलने की घटनाएं लगातार जो हैं वो बढ़ रही हैं, अभी उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। इसीलिए हमने कल केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन किया है कि इसको लेकर के एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए, जिससे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारें इमरजेंसी मेजर लेकर के और पराली जलने की जो घटनाएं हैं उनको कम किया जा सके। दूसरा, जो दिल्ली के अंदर सरकार के स्तर पे युद्ध स्तर पे पानी के छिड़काव का काम पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है।